नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य हरीश आप सबका स्वागत करता हूँ योगा माई लाइफ पर। आज का मेरा वीडियो है कि सफल होने के लिए हम अपने मापदंड चाहते हैं। हर व्यक्ति सफलता तो चाहता है, लेकिन अपनी टर्म एंड कंडीशन पर। हम सोचते हैं कि मैं सफल हूँ, लेकिन कोई भी अड़चन ना आए सफलता में तो ठीक है। अगर थोड़ी सी भी अड़चन आ गई सफल होने में तो लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, लगता है कि ईश्वर जो है हमसे विमुख हो गए, लगता है कि ईश्वर हमें सजा दे रहे हैं, और तरह तरह की बातें हमारे मन जो है हमसे कहने लगता है। सफल होना हर व्यक्ति चाहता है। दुनिया की हर चीज़ एक तरीके से सफल होने के लिए ही काम कर रही है, लेकिन सफलता का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ हमारे अनुसार ही हो। हम चाहते हैं कि सफलता आए तो सही, लेकिन हमारे अनुसार आए, जैसे हम चाह रहे हैं ऐसे सफलता आए। लेकिन प्रकृति को केवल एक व्यक्ति को सफल नहीं करना है, प्रकृति को हर व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखना है, हर व्यक्ति के साथ तालमेल बना के काम करना है, प्रकृति को खुद को भी बनाए रखना है और हारमोनी के साथ काम करना है। जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, दुख जाहिर करने लगते हैं, जबकि प्रकृति उस वक्त हमें सिखाना चाह रही होती है। सफलता के साथ उतार चढ़ाव जुड़े हुए होते हैं। चढ़ाव आ जाए तो हम खुश होते हैं, बिल्कुल सोचते हैं कि बिल्कुल रास्ता सही है, मज़ा हो रहा है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। और थोड़ा सा उतराव आ जाए, हालांकि वो उतराव भी जो है हमें शेप देने के लिए होता है, हमें कहीं ना कहीं बलवान करने के लिए होता है। थोड़ा सा उतार आया नहीं तो हम मन ही मन रोने लगते हैं। कई बार तो हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, मेरे कर्म बुरे होंगे, मैंने बुरा किया होगा, परमात्मा मुझे सजा दे रहा है, तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में उभरती हैं। वो केवल और केवल हमारी अधूरी जानकारी की वजह से इस तरीके से हमारा मन हमें एक तरीके से टीज करता है। हमें खुद को सिखाना होगा सफलता केवल चढ़ावों से बनी हुई नहीं है, सफलता में उतार भी हैं और चढ़ाव भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं भाई, प्रकृति को अपने तरीके से काम करना है, हमारे तरीके से नहीं। जब भी जीवन में कुछ प्रॉब्लम है सफलता के रास्ते में, तो समझिए प्रकृति कुछ सिखाना चाह रही है। क्या सिखाना चाह रही है आपको फिर से सोचना होगा। उस बात को समझिए प्रकृति की, वो प्रकृति क्या सिखाना चाह रही है उसको सीख के फिर अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। फिर देखिए जीवन किस तरीके से अच्छा बनता है, किस तरीके से बढ़िया बनता है, किस तरीके से आप हारमोनी के साथ जीने लगते हैं। फिर आपको पता लगेगा कि जीवन कितना सुंदर है, प्रकृति का खेल कितना निराला है, कितना अच्छा है। किस तरीके से प्रकृति मानव को सिखाना चाह रही है, किस तरीके से हारमोनी रखना चाह रही है, कैसे जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन डर मन का काम है, डर पैदा करना। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझाने की आवश्यकता है, खुद अवेयर रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है कि क्यों मेरे अंदर इस तरह के डर पनप रहे हैं, क्यों मुझे लग रहा है कि प्रकृति मेरे विरुद्ध है, क्यों मुझे लग रहा है कि गौण मेरे विरुद्ध है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सफलता केवल चढ़ावों से नहीं बनी हुई है, उतरावों से भी बनी हुई है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।